नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई, जो ये मौसम चल रहा है फरवरी का, मार्च का और अप्रैल तक, तो आप किसी भी एवरग्रीन पौधे की कटिंग लगा सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों, लगाने के साथ साथ एक तो प्लांट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे आपके, दूसरा आपकी कटिंग गर्मियों के मौसम तक खूब बढ़िया तैयार हो जाएगी और फिर तो फूल आएंगे ही, और जिसमें फूल भी नहीं आते वो कटिंग अच्छे तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस टाइम दोस्तों, आप जो सारे के सारे प्लांट देख रहे हो, एवरग्रीन प्लांट, चाहे इसमें कैलन कोई होए, हिबिस्कस होए, कनेर होए, मैक्सिकन पेटूनिया होए, और बहुत सारे ऐसे प्लांट है दोस्तों जिनके कि आप बल्ब लगा सकते हैं इस वक्त डिवाइड करके, एस्पेरेगस वगैरह के, या और भी लिली की दुनिया भर की वेराइटीज हैं। और इस टाइम आप पर्सलिन पोर्चुल्का जो आपके लगे हुए थे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको कटिंग लगा के दिखाई थी, उस तरीके से आप नए नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप कनेर की भी कटिंग लगा सकते हैं, चाहे वो देसी वैरायटी हो चाहे वो इंग्लिश वैरायटी हो। तो इस टाइम भले ही मैं वो सारे पौधे ना दिखा पाऊं जिनकी आप कटिंग भी लगा सकते हो, आपके दिमाग में जिस भी प्लांट की कटिंग लगाना हो ना, आप उसकी लगा सकते हो। बस आप सर्दियों के पौधों को अब छोड़ देना, उनकी कटिंग मत लगाना। अब जब वो आप मैच्योर होके बीज जो सीड पोड बनेंगे उनके सीड ही कलेक्ट करना, लेकिन इन सभी प्यारे प्यारे पौधों की जो आपके पास हमेशा रहेंगे, इनसे आप नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और कटिंग लगाना दोस्तों मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, और हर प्लांट की आपको कटिंग लगा के दिखा भी रखा है, रूट भी डिवाइड कर रखी है, कटिंग्स भी लगा रखी है, बल्ब भी लगा के दिखा रखे हैं। तो सारी चैनल पे जाके वो वीडियो देख लेना। और इस टाइम दोस्तों जो आपके फॉलीज वाले प्लांट है, जैसे एकालीफा वगैरह हो गए और क्रोटोन्स हो गए, या और भी बहुत सारी वैरायटी शायद मेरे दिमाग में अब ना हो, लेकिन आपके अगर जितनी भी वैरायटी दिमाग में एवरग्रीन की, आप उन सब की इस टाइम कटिंग लगा सकते हो, चाहे वो इस तरह के फ्रूट वाले प्लांट ही हो। ये जैसे करोंदे की मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी देखो कितना बड़ा हो गया ये, है ना। तो इस तरीके से आप कटिंग लगा लगा के नए नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हो। और कटिंग लगाते वक्त दोस्तों बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि कटिंग में शुरुआत में तो बिल्कुल भी देखो हाथ साफ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लगाते जाते हो आपका हाथ साफ होता जाता है, और फिर आप जो भी तोड़ के लगाओगे वो आप बड़े आराम से लगा लोगे। और इस टाइम बिल्कुल जैसे कि आप पूछ रहे थे कोलियस वगैरह की हम कटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। सिंगोनियम की लगा सकते हो, मनी प्लांट्स की कटिंग आप लगा सकते हो, आप रोयो के प्लांट की कटिंग लगा सकते हो जिसको बोट लिली बोलते हैं। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप अभी तैयारी कर लेते हो तो प्रॉपर गर्मी आने तक आपके नए नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। फिर अब अगर आप गर्मी में लगाने चलोगे तो क्या आपका कटिंग झुलस भी जाए, क्योंकि एयर में मॉइस्चर कम हो जाएगा। अभी बढ़िया मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो इस टाइम आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हो तो वो चलती ही चलती है। इस टाइम आप डम्ब केन की भी कटिंग लगा सकते हो, और जो आपके ये बेबी सन रोज हैं इनकी आप कटिंग लगा लगा के नई नई हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हो। एस्पेरेगस तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से आप अगर अभी कटिंग लगाते हो तो थोड़े दिन में ही आपका प्लांट उस मिट्टी में तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि इनका ग्रोथ का टाइम है, इन्होंने तो ग्रो करना ही है। और वो ग्रोथ दोस्तों आपको ऊपरी तौर पे दिखाई देती है, वो ग्रोथ रूट लेवल पे भी होती है, और ऊपर से तो आपको ब्रांचेस नई नई पत्ते नए नए निकलते दिखाई भी देंगे। और इसकी बोगनविला की कटिंग तो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले लगा के भी दिखाई थी, है ना। बोगनविला की कोई भी वैरायटी हो आपके पास, किसी भी कलर का प्लांट हो, तो उसकी भी कटिंग लगा लगा के आप नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। या बाहर भी आप घूमते हो, आपके पास जो कलर है उसके अलावा भी जो कलर आपको दिखता है उसकी कटिंग भी आप बड़े आराम से इस टाइम लगा सकते हो, और थोड़े दिन में ही देखोगे कि आप उस पे पत्ते भी आने लग जाएंगे, क्योंकि इस टाइम में ना ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बजाय कि और किसी मौसम में हम लगाएं तो बरसात में, इस मौसम में और अक्टूबर के महीने में जो हम कटिंग लगाते हैं ना, उनका जो ग्रोथ लेवल है वो ज्यादा हाई होता है बजाय कि और किसी मौसम में लगाने के। देखो लग तो हर मौसम में जाती हैं, लेकिन इस टाइम जब आप लगाते हो ना तो कोई भी कटिंग लगा दो आप, वो बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेती है। तो ये कैलन कोई की तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लगाई थी, और देखो इस पे ये फ्लावर की बर्ड्स भी आ गई, और अभी देखो ये कितने सुंदर प्लांटर तैयार हो गए हैं, है ना। और इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाने के साथ साथ उसकी कटाई छटाई करते हो तो उसकी कटिंग को बेकार मत जाने दो। और जिस भी पौधे को आप शेप दे रहे हो, शेप अप कर रहे हो, तो उसमें से अगर कोई भी ब्रांच आपको लगती है कटिंग लगाने लायक तो आप बिल्कुल लगा सकते हो।
और दोस्तों कनेर की आपके पास कोई भी वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी, उसकी कटिंग आप लगा सकते हो, चाहे वो ड्वार्फ वैरायटी हो, चाहे आपकी इंग्लिश वैरायटी हो या देसी वैरायटी हो। लेकिन सर्दियों के पौधों को मैं अभी मना ही करूंगी, क्योंकि अब देखो कब ये लगेंगे, कब फूल देंगे, है ना। इतनी गर्मी आ जाएंगी, आप इतनी मेहनत भी करोगे, फिर वो खराब जाएगी। तो इससे अच्छा है जितने वो लगे हुए हैं उनके आप सीड कलेक्ट करो और उनको लगाओ। और इसके साथ साथ दोस्तों जो भी आपके बेल वाले प्लांट है, जैसे मेरे पास पीली येलो जैस्मिन है या ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है, उसकी अभी ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो किसी भी पौधे की आप इस टाइम कटिंग लगा के नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। पता नहीं मैंने कितनों के नाम लिए, कितनों के मुझसे रह भी गए हैं। और जो पूछ रहे थे कि गुलाब की कटिंग हम लगा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, आप अभी भी लगा सकते हो। और बस 20-25 दिन में आपका गुलाब का नया पौधा तैयार हो जाता है। और वो वीडियो भी दोस्तों मैंने डाल रखी है चैनल पे ही, कि किस तरह से आपने कटिंग को चूज करना है गुलाब की, और किस तरीके से आपने सोयल में क्या क्या मिक्स करना है जिससे आपकी कटिंग खराब ना हो और जल्दी ग्रोथ पे आ जाए। और इसी तरीके से दोस्तों जो आपके फ्रूट वाले प्लांट हैं या आपके फूलों वाले हैं, मोगरा हो गया, हिबिस्कस हो गया, तो इन सब की भी कटिंग आप लगा के नए नए प्लांट तैयार करो। एक बार अगर आपको कहीं आसपास भी नहीं मिलते, आप नर्सरी से जाके ले आओ, और फिर उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको कटिंग तो करनी होगी उसकी, है ना। फिर उसकी कटिंग को मत बेकार जाने दो, उसकी कटिंग को जरूर लगा के ट्राई करो। और अगर कटिंग लग जाती है तो आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इस टाइम आप फाइकस की कितनी वैरायटी आती है उनकी भी कटिंग लगा सकते हो। और ये देखो इन लोगों ने भी कटिंग लगा लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो प्लांट ग्रो करेंगे, फिर ये सेल कर देंगे, है ना। तो हमने तो खैर थोड़ी सी लगानी है, इनको तो हायर लेवल पे चाहिए होता है कटिंग का काम, लेकिन हम भी तो घर में बैठे इस तरीके से प्लांट तैयार कर सकते हैं। और क्रोटन की तो दोस्तों आप जिस भी वैरायटी जो भी आपको पसंद है उसकी आप कटिंग ला सकते हो। पहले एक बार नर्सरी से जाके ले आओ, और फिर अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है तो फिर मत परचेज करो, फिर उसकी कटिंग लगा लगा के ही नए नए प्लांट आप तैयार करो। तो क्रोटोन वैसे भी अच्छे लगते हैं, आउटडोर शेड में भी चल जाते हैं और अंदर भी रखे हुए विंडो वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो बस ये मौसम दोस्तों कटिंग लगाने का ही है, और जो हमारे एवरग्रीन जो पौधे घर में लगे हुए हैं उनकी कटाई छटाई का भी है। तो आपको जिस भी तरीके का जो भी पौधा पसंद आता है उसकी कटाई छटाई करने के साथ साथ आप नई नई कटिंग भी लगाओ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस टाइम पौधों को तैयार करने का, मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा टाइम है, ये आपको स्किप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, और इस टाइम नए नए प्लांट्स आपको तैयार करने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।